हेलो दोस्तों, मैं नयन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आज इस वीडियो में जो है लोधी वंश। ठीक है, इससे पहले हमने वीडियो में देख चुके हैं दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत पर पांच वंश आए और पांचों वंशों में से हमने चार वंशों को पढ़ा, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश। ठीक है, ये जो चार वंश थे यह तुर्क मुसलमानों के द्वारा स्थापित राज्य थे। ठीक है, जो लोधी वंश था यह अफगान मुसलमानों के द्वारा स्थापित राज था। ठीक है, कौन? लोधी वंश। ठीक है, अफगान मुसलमानों के द्वारा स्थापित था। ठीक, तो 1551 से लेकर के 1526, ठीक 1451 से लेकर के 1526, ठीक लगभग 75 वर्षों तक शासन करते हैं कौन? लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत पे लोधी वंश 75 वर्षों तक शासन करते हैं। ठीक है, चलते हैं दोस्तों, अब शुरू करते हैं लोधी वंश के जो प्रमुख शासक हैं उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। बहलोल लोधी 1451 में शासक बनता है और 1489 तक शासक रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से बहलोल लोधी से ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, दो चार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो 1451 में शासक बनता है और 1489 तक शासक रहता है। बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक होता है और पहला शासक होता है और इसे पहला अफगान शासक के रूप में भी जाना जाता है। किसे? बहलोल लोधी को प्रथम अफगान शासक के रूप में भी जाना जाता है और लोधी वंश का संस्थापक और पहला शासक भी होता है बहलोल लोधी। ठीक है, तो संस्थापक बहलोल लोधी होता है और प्रथम अफगान शासक होता है कौन? बहलोल लोधी। ठीक है, यह कभी सिंहासन पर नहीं बैठा। ठीक, यह कभी सिंहासन पर नहीं बैठा और अफगान अमीरों के साथ में कालीन पर बैठा करता था। ठीक है, जमीन में कालीन पर बैठा करता था कौन? बहलोल लोधी। ठीक है, इसने कभी सिंहासन पर नहीं बैठा और अफगान अमीरों के साथ में यह जमीन में कालीन पर बैठा करता था। ठीक है, तो यह कभी सिंहासन पर नहीं बैठा, अफगान अमीरों के साथ में कालीन पर बैठा करता था। ठीक है, बहलोल लोधी। इसने एक उपाधि धारण की थी, शाहगाजी की उपाधि धारण की। ठीक है, तो बहलोल लोधी ने शाहगाजी की उपाधि धारण की और बहलोल नामक सिक्के का प्रचलन करवाया। ठीक, बहलोल नामक सिक्के का प्रचलन करवाता है और उसके बाद होता क्या है कि जो सरदार हुआ करते थे अपने सरदारों को मकसद ए, ठीक मकसद ए अली कहकर पुकारा करता था। ठीक है, तो जो अफगान सरदार हुआ करते थे उसे मकसद ए अली कहकर पुकारा करते था कौन? बहलोल लोधी। ठीक है, तो उसके बाद 1489 में इसकी मृत्यु हो जाती है और शासक बन जाता है इसका पुत्र सिकंदर लोधी। ठीक है, उसके बाद जब सिकंदर लोधी शासक बनता है, ठीक है, तो उसके बाद हमने जो बहलोल लोधी थे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि पहला शासक होता है कौन? लोधी वंश का प्रथम शासक होता है और यह संस्थापक भी होता है। ठीक है, लोधी वंश का संस्थापक भी बहलोल लोधी होता है और यह कभी सिंहासन पर नहीं बैठा, अफगान अमीरों के साथ में यह कालीन पर बैठा करता था। और उसके बाद हमने आपको बताया कि यह शाहगाजी की उपाधि धारण की और बहलोल नामक सिक्के का प्रचलन करवाया और यह जो सरदार हुआ करते थे अफगान सरदार उसे मकसद ए अली कहकर पुकारा करता था। ठीक है, तो मकसद ए अली कहकर किसे पुकारा करता था बहलोल लोधी? तो अफगान सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारा करता था। उसके बाद 1489 में इसकी मृत्यु हो जाती है और शासक बन जाता है सिकंदर लोधी। ठीक है, और सिकंदर लोधी जब 1489 में शासक बनता है और 1517 तक शासक रहता है। सिकंदर लोधी जब शासक बने तो सिकंदर लोधी का जो वास्तविक नाम था वह निजाम खां था। ठीक है, निजाम खां था और सिकंदर लोधी की जो माता थी वह सोनार हिंदू थी। ठीक है, कैसी थी दोस्तों? सोनार हिंदू थी। ठीक है, तो सिकंदर लोधी का वास्तविक नाम निजाम खां होता है और इनकी जो माता होती है वह सोनार हिंदू होती है। ठीक है, इनकी माता जो होती है वह सोनार हिंदू होती है और वास्तविक नाम जो होता है वह निजाम खां होता है और शासक सिकंदर लोधी के नाम से शासन करते हैं कौन? सिकंदर लोधी। उसके बाद हमने जो सिकंदर लोधी हैं वह लोधी वंश का प्रमुख शासक और सर्वश्रेष्ठ शासक के रूप में जाना जाता है। किसे? सिकंदर लोधी को प्रमुख शासक और एक सर्वश्रेष्ठ शासक के रूप में सिकंदर लोधी को जाना जाता है। ठीक है,
उसके बाद सिकंदर लोदी ताजिया पर और दरगाह पर, ठीक है, ताजिया पर जो मुसलमानों में ताजिया निकाला जाया करता था, ताजिया पर प्रतिबंध लगा देते हैं, और जो मुस्लिम महिलाएं हुआ करती थी दरगाह पर जाती थी वह उस पर भी प्रतिबंध लगा देता है, ठीक है। तो ताजिया और दरगाह पर वह प्रतिबंध लगा देता है। उसके बाद क्या होता है कि कृषि के विकास के लिए गज ए सिकंदरी की स्थापना करता है, ठीक है। तो कृषि के विकास के लिए और कृषि की माप के लिए, ठीक है, कृषि जो जमीन हुआ करती थी उसे मापने के लिए गज ए सिकंदरी की स्थापना करता है, ठीक है। कौन? सिकंदर लोदी, ठीक है। सिकंदर लोदी भूमि की माप के लिए उसने गज ए सिकंदरी की स्थापना करता है। कौन? सिकंदर लोदी, ठीक है। उसके बाद सिकंदर लोदी गुलरुखी नाम से अपनी कविताएं लिखता था, जो फारसी भाषा में, ठीक है, फारसी भाषा में कविताएं लिखता था गुलरुखी नाम से, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा भी जाता है गुलरुखी नाम से कौन कविताएं लिखता था, तो सिकंदर लोदी लिखता था फारसी भाषा में, ठीक है। उसके बाद इसने ग्वालियर पर इसने 5 बार आक्रमण किया, और ग्वालियर के जो राजा होते हैं वह मानसिंह होते हैं, मानसिंह इसे हर बार हरा दे दिया करते थे, ठीक है। तो 5 बार ग्वालियर के किले पर वह आक्रमण करता है, और 5 बार आक्रमण किया, और 5वीं बार राजा मानसिंह उन्हें हरा देते हैं, ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है, एक ग्वालियर के किले पर 5 बार आक्रमण करता है कौन? सिकंदर लोदी, पर 5वीं बार हार जाता है, राजा मानसिंह हर बार उसे हरा दिया करते थे, ठीक है। तो 5 बार आक्रमण करता है, 5वीं बार वह असफल हो जाता है, ठीक। उसके बाद 1517 में गले की बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, और शासक बन जाता है कौन? इब्राहिम लोदी, ठीक है। अब इब्राहिम लोदी को देख लेते हैं दोस्तों। 1517 में शासक बनता है और 1526 तक शासक रहता है, ठीक। 1517 में शासक बनता है और 1526 तक शासक रहता है। यह लोधी वंश का अंतिम शासक होता है, ठीक है, लोधी वंश का अंतिम शासक होता है इसी के समय में 1518 में, ठीक है। 1518 में क्या होता है कि 1518 में तोखरी का युद्ध होता है, ठीक, तोखरी का युद्ध होता है, और तोखरी के युद्ध किसके किसके बीच में होता है, तो इब्राहिम लोधी और राणा थांगा के बीच में होता है। तो एग्जाम में भी पूछा जाता है कि तोखरी का युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो इब्राहिम लोधी और राणा थांगा के बीच में हुआ था, ठीक है। तो तोखरी का युद्ध 1518 में होता है राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। इस युद्ध में राणा सांगा जीत जाते हैं और इब्राहिम लोदी हार जाता है, और जब इब्राहिम लोदी हार जाता है तो इसी युद्ध के बाद इसका जो इब्राहिम लोदी का जो चाचा होता है आलम खान, ठीक, आलम खान काबुल चला जाता है, और जब काबुल चला जाता है काबुल में बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता दे देता है। कौन? इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खान, ठीक है, भारत पर आक्रमण करने का बाबर को न्योता दे देता है। और उसके बाद फिर आपको मालूम होगा कि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी को, ठीक है। तो उसके बाद यह तोखरी के युद्ध में हार जाता है, हारने के बाद राणा सांगा जीत जाते हैं, और उसके बाद फिर 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, और बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। इसमें इब्राहिम लोधी हार जाता है और बाबर जीत जाता है। कहा जाता है कि इब्राहिम लोधी के पास बहुत बड़ी सेना थी और बाबर के पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी, पर फिर भी बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोधी हार जाते हैं। और इसी युद्ध में कहा जाता है कि तोप खाने का प्रयोग सबसे पहली बार इसी पानीपत का प्रथम युद्ध में प्रयोग किया था, किसने? बाबर ने, ठीक है। तोप खाने का प्रयोग सर्वप्रथम बाबर ने किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में, ठीक है। जब उसके बाद इब्राहिम लोदी हार जाते हैं तो 1526 में मुगल वंश की स्थापना करता है कौन? बाबर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे इब्राहिम लोदी से, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। हमने देखा यहां से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या, कि बहलोल नामक सिक्के का प्रचलन किस शासक ने करवाया था, तो बहलोल लोधी ने करवाया था, और लोधी वंश का जो संस्थापक होता है वह बहलोल लोधी होता है। और तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, शाहगाजी की
उपाधि किसने धारण की थी? तो बहलोल लोधी ने की थी। ठीक है, और अगर बात करें सिकंदर लोधी से, तो सिकंदर लोधी से भी क्वेश्चन, तीन चार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोधी ने की थी, और 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी। किसने? सिकंदर लोधी ने। ठीक है, 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोधी ने की थी, और 1506 में आगरा को ही राजधानी बनाता है। ठीक है, तो 1504 में आगरा शहर की स्थापना करता है और उसे राजधानी ही बनाता है। ठीक, तो आगरा की स्थापना करता है और उसे राजधानी बनाता है। ठीक, उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ से सिकंदर लोधी से कि गुलरुखी नामक, गुलरुखी नाम से कविताएं कौन लिखता था? तो सिकंदर लोधी लिखता था। ठीक है, तो ये चार क्वेश्चन सिकंदर लोधी से पूछे जाते हैं। कौन कौन से? कि आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो सिकंदर लोधी ने की। और गज सिकंदरी की स्थापना किसने की? तो सिकंदर लोधी ने की। और सिकंदर लोधी राजधानी किसे बनाता है? तो आगरा को बनाता है। और गुलरुखी नाम से अपनी कविताएं कौन लिखा करता था? तो सिकंदर लोधी लिखा करता था, जो फारसी भाषा में। ठीक है, गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था फारसी भाषा में। ठीक, सिकंदर लोधी। ठीक, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, दो तीन क्वेश्चन। उसके बाद इब्राहिम लोधी से पूछा जाता है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन होता है? तो इब्राहिम लोधी होता है। और तोखरी का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया? तो इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था, और राणा सांगा की जीत हो जाती है। जीत होने के बाद इब्राहिम लोधी हार जाते हैं। ठीक, हार जाने के बाद जो इब्राहिम लोधी का चाचा होता है, कौन? आलम खान। ठीक, आलम खान इसी युद्ध, टोकरी के युद्ध से भाग जाता है और काबुल पहुंचता है। काबुल में बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता देता है। उसके बाद क्या होता है कि 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। इब्राहिम लोधी हार जाता है और बाबर जीत जाता है। ठीक है, तो इब्राहिम लोधी, यहां से क्वेश्चन एक और बनता दोस्तों कि इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक होता है जो युद्ध भूमि में मरने वाला पहला शासक। ठीक है, इब्राहिम लोधी युद्ध भूमि में ही मारा जाता है, तो पहला शासक होता है जो युद्ध भूमि में मारा गया था। ठीक है, तो युद्ध भूमि में मारा जाने वाला पहला शासक होता है कौन? इब्राहिम लोधी। ठीक है, जब 1526 में बाबर जीत जाता है, तो 1526 में मुगल वंश की स्थापना कर देता है। ठीक है, तो हमने लोधी वंश से जितने क्वेश्चन हमने आपको बताए। ठीक है, अगर एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। बहलोल लोधी ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो दिल्ली को बनाया था। ठीक है, बहलोल लोधी ने राजधानी किसे बनाया था? दिल्ली को बनाया था। पर जब इनका पुत्र सिकंदर लोधी शासक बनता है, तो सिकंदर लोधी आगरा को क्या बनाता है? राजधानी बनाता है, आगरा शहर की स्थापना करता है, तो और आगरा की राजधानी आगरा को ही बनाता है। ठीक है, तो फिर बाद में इब्राहिम लोधी आ जाते हैं। इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।